हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आई होप सारे बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया हो गई। यार यहाँ पे धूप आ रही तो मैं इसलिए ऐसे खड़ा हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ सो गाइस, अभी मैं बना रहा हूँ चाय। चाय उबल रही है एक्चुअली, बिल्कुल मस्त 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 मस्त। देख रहे हो मम्मी, फिर बोल तो काम नहीं होता। खुशबू तो अच्छी आ रही है मेरे को भाई चाय की। बाकी लेट्स सी, अभी चाय बन चुकी है, मेरा सब पड़ा है, मैं सब भी लूँगा साथ में। और आज हम सुबह 7 बजे उठ गए थे, नहा धो भी लिया, सब कुछ कर लिया, ऑल सेट पे कार्ड के बना रहा हूँ ना। तो अब हमें करना क्या है आज, सबसे पहले जाना है मुझे बैंक। बैंक में थोड़ा सा काम है। फ्लाइट्स मैंने बुक करा ली है अपनी, फ्लाइट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं बैंकवेयर की। कल बैंकवेयर फ्लाई करनी है, शादी की तैयारियाँ करनी है, पैकिंग करनी है, सब कुछ करना है, और आउटफिट्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन रखनी है। और एक दिक्कत हो गई है यार, लेकिन वो दिक्कत मैं थोड़ी सी बाद में बताऊंगा मैं हुआ क्या है। बाकी बाहर बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, और बने रहो फिर पूरा दिन, है ना। बहुत कुछ होना है, अभी हम निकल रहे हैं बस बाहर चाय चुए पी के, फिर मिलते हैं। गाइस चाय स्मेल्स गुड, गाइस मज़ा आ गया। ओए होए होए होए, मज़ा। हाँ जी गाइस, हाँ जी हाँ जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। एंड मैंने अपना सब लिया था जो कल फुट लॉन्ग, उसमें से हाफ मैंने छोड़ दिया था, तो हाफ मैंने वो गर्म कर लिया मस्त। अब मैं वो चाय के साथ पी लूँगा। और मैंने अभी ना एक जुगाड़ किया, यहाँ पे ना फ़ोन टिकता ही था, तो मैंने वो जो ट्राईपॉड था ना मेरा, मैं वो ले आया था घर से। मैंने वो थोड़ा स्मार्ट वर्क किया, ट्राईपॉड से अभी व्लॉग करने की मेरे को आदत सी नहीं है, है ना। तो कोई नहीं, बन जाएगी धीरे धीरे। तो मैंने ट्राईपॉड को करना क्या ना, आई विल शो यू गाइस मैं करूँगा क्या इसका, बट फिर भी मुझे कहीं तो रखना पड़ेगा ना पहले। कोई नहीं, अभी रखते हैं, करते हैं यार। और अभी टाइम तो हो गया काफ़ी, उठे हुए मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया। यहाँ पे यार नींद भी नहीं आती, ऐसे होता ना, मतलब वहाँ पे होता था कि सो जाओ और ये कर लो, और यहाँ टाइम पे सो जाता हूँ मैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये कोई मम्मी ने टूणा टाणा करके भेज दिया मेरे को लग रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। रात को 10 बजे मैं सो जाता हूँ, सुबह उठ जाता हूँ मैं 7 बजे बिना अलार्म के। बट चलो आई विल शो यू गाइस मैं अभी फ़ोन का क्या करूँगा। फिर यहाँ पे हमने थोड़ी सी रील्स और टिकटॉक पे भी वीडियो अपलोड करनी है गाइस। टिकटॉक इज़ बैक, मेरा टिकटॉक वापस आ गया, तो मैंने वो लॉगिन कर लिया अपना टिकटॉक। सो वहाँ भी मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा, और अभी इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना जिसने नहीं किया यार। और शादी की तैयारियाँ करनी है आज, ठीक है। और हमारा ये है ब्रेकफास्ट अभी, इसके साथ मैं अभी एक ऑमलेट भी बना लूँगा क्योंकि मेरे को भूख ज़्यादा लग रही है। रात को डिनर में मैंने दाल ही खाई थी। हाँ चलो ठीक है, मैं अभी शुरू करता हूँ अपना कार्यक्रम ये सेटअप करने वाला, फिर तुम्हें मिलता हूँ। सो गाइज, दिस इज़ द थिंग दैट आई हैव गॉट, इट इज़ कॉल्ड गुरेला पॉड। इसके ना जो लातें होती हैं ना, ये मुड़ जाती हैं, मतलब कहीं भी तुम ऐसे मोड़ के, मतलब लाइक दिस, तुम इसको अंदर बेंड कर सकते हो। आई विल शो यू इट। देखो जैसे ये ऐसे लगा हुआ है ना, वॉट यू विल डू इज़, इसकी जो ये है लेग, इसको यहाँ मोड़ दो अंदर, ठीक है। इसको पीछे से यहाँ मोड़ दो ऐसे, और इसको यहाँ मोड़ दो, फिर इट विल गेट अ ग्रिप, ये गिरेगा नहीं कहीं पे। मतलब अभी अच्छे से कर दूंगा यार, एक हाथ में फ़ोन है ना, तो इसको ऐसे ग्रिप मिल जाएगी और ये सेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बैठ के हम वीडियो बना लेंगे फिर, लव यू ऑल। तो यार काम हो गया मेरा डन, मैंने कॉफ़ी ले लिया है टिन से, एंड मैं जा रहा हूँ। मैं भी वेट कर रहा हूँ, मेरी मासी आएंगी, मतलब छोटी दादी आएंगी, पापा मासी बोलते हैं, मैं भी उनको बोलने लगता हूँ। वो जब पिक करेंगी तो मैं घर जाऊँगा, तो मैं चेंज करूँगा। और मैं सोच रहा हूँ आज डाउन टाउन चला जाऊँ, क्योंकि मुझे आज कुर्ता खरीदना है शादी के लिए, एंड दैट इज़ ज़रूरी यार। एक बात रह गई यार, वो साली शुगर डालना भूल गया मैं इसमें, तो ये अभी थोड़ा कोड़ी लग रही है। मैं कुछ खाने जा रहा हूँ, मैं वहीं से उनसे पूछ लूँगा ये शुगर है। अब इतनी दूर कौन जाए वहाँ पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, हम अंदर से शुगर ले लेंगे, ठीक है। अच्छा मैं एक और चीज़ बोलूँ, अभी स्टारबक्स वाला ही हाल है टिम हॉर्टन का, अभी देख लिया मैंने। मतलब मैं जब दुबई में भी थी ना, तो मुझे ठीक लगा था थोड़ा थोड़ा, बट मैंने कहा चल पहली बार पी रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 3-4 बार ले ली है, मेरा मन भर गया, सही में भर गया। कोई नहीं, घर पे बनाएंगे गाइस, घर पे एक शेकर लेके आएंगे और एक ग्लास लेके आएंगे, अच्छा से उसको ले जाया करेंगे बाहर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी गाइस, मैं यहाँ पे बैठ के ना मैंने कहा कुछ ऑर्डर करते हैं। मैंने समोसा ऑर्डर किया, एंड समोसा इज़ प्रिटी इन बैड शेप राइट नाउ, बट स्टिल आई एम गोना हैव इट, खा के फिर मिलता हूँ। एंड दादी इज़ ऑलरेडी आउटसाइड, सो मैं भी मैं पैक करा के चला जाऊँगा।
हाँ जी, वी आर बैक होम गाइस। एंड अभी थोड़ी सी ज़्यादा भूख लगी और वो टेस्टी नहीं लगा मुझे, मैंने खाया तो मैं यहाँ पे गई। और पिज्ज़ा वगैरह खा लूँ एंड कॉफ़ी ऑफ कोर्स। सो दिस इज़ माई लंच फॉर टुडे। फिर उसके बाद हम करते हैं थोड़ी सी पैकिंग, थोड़ा सा सामान रह गया वो रखना है, फिर उसके बाद चिल करेंगे आराम से, फिर देखते हैं ठीक है, या थोड़ा सा सो जाएंगे यार, नींद भी आ रही है बाकी, चलो देखते हैं क्या होता है ना। सो गाइज, अपना हो गया है लंच डन, सब कुछ डन हो चुका है एंड सुबह हमने 3 बजे उठना है, लेकिन मेरे को ये व्लॉग तो रात को 11 बजे तक अपलोड करना ही पड़ेगा बिकॉज इंडिया के टाइम के हिसाब से ऑब्वियसली। तो मैं पैकिंग तुम्हारे साथ ही करूँगा कि मुझे क्या लेके जाना चाहिए क्या नहीं लेके जाना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ मम्मी तो है नहीं, गुशीन तो है नहीं जिनसे पंगे लूँगा, तो मैं तुमसे ही पंगे लूँगा अब सारे। और यार भूख तो गई है मिट, अब थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करेंगे क्योंकि कल रात को भी पिज्ज़ा खाया था मैंने, रवि पिज्ज़ा खाया था, एंड आई डोंट वांट टू गेट फैट हियर, आई वांट लूज वेट गाइस, मैं चाहता हूँ पतला हो गया जाऊँ, है ना। बाकी लव यू आप सबसे, बाहर चलते हैं, अभी कार देख के आनी है, उसकी विंडशील्ड जो है वो हमें न्यू चेंज करानी है, सो हम कार देने जा रहे हैं एंड समवन विल गिव राइड बैक टू होम, तो हम फिर उनके साथ घर आ जाएंगे। और सुबह 6 बजे की फ्लाइट है हमारी वैंकूवर के लिए, वी आर गोइंग टू वैंकूवर टुमारो गाइस फॉर आर वेडिंग, ब्रदर्स वेडिंग, यस। और चलो पैकिंग वैकिंग करते हैं आके, ठीक है, लव यू सबसे, लेट्स गो। हाँ जी गाइस, हाँ जी, आप सो गए सी थोड़ा जा एंड नाउ वी आर अप एंड क्या टाइम हो रहा है अभी, आई हैव टू सी डाउन, तो ब्राइटनेस डाउन होगी, वेट, चलो जो भी हो रहा है ध्यान नहीं है मुझे। तो मैं क्या सवेर दी टोपी टूपी पा के घूम रहा जरा पग बन ली है ना, सो पग बन ली आप एंड थोड़ी जी वीडियोज़ बनाने लाइक आई एम वेयरिंग दिस राइट नाउ, ठीक है, विल मेक सम वीडियोज़ फॉर टिकटॉक, लाइक टिकटॉक पर आज मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ अपने, सो जो बंदे हैं जो देख सकते हैं जिनका एक्सेस है जस्ट गो एंड वॉच इट ओवर देयर एज वेल, एंड इंस्टाग्राम पर भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। और हवा बहुत सही चल रही है अभी, बहुत ज़्यादा सेक्सी हवा चल रही है एंड अभी मैं चप्पल कह रहा हूँ, शूज़ डालूंगा, इफ़ यू कैन सी माई आउटफिट ओवर देयर आई विल जस्ट शो यू, वेट, इफ यू आर एबल टू सी गाइज दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ, एंड एक मिनट एडजस्ट कर लें ब्राइटनेस, यस। तो यार अभी पैकिंग वैकिंग भी करनी है और सुबह भाई साहब 3 बजे निकलना है यार, मुझे अभी बताया कि हमें जो पिक करने आ रहे हैं ही विल कम बाय 3 एंड यू हैव टू रीच एयरपोर्ट बाय 3:30 बिकॉज बैग चेक इन नहीं किया है, जो 2 फ्लाइट्स हैं उसके लिए बैग चेक इन नहीं किया है, मैंने तो कर दिया था चेक इन, मैंने इंडिया से करा ली टिकट, सो वो भी मैंने कल कराई है भाई साहब, मुझे महंगी पड़ गई $30, बट कोई बात नहीं, मैं आगे भी अब वापसी की भी करा ली मैंने, वापसी की सही पड़ गई मुझे, जाने की पड़ गई। और हमारा जो फंक्शन है वो है वैंकूवर सरी में, हाँ ओके भाई, हवा ज़्यादा तेज चल रही है, यू हैव टू क्लोज द डोर, है ना, यस, इट्स गुड नाउ। तो भाई मैं तुमसे ये पूछ रहा था यार, मैं डालूं क्या, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, अभी एक दिन है, तुम लोग कमेंट कर दो, तुमने मेरा वो बाथरूम वाला सूट देखा है ना जिसके यहाँ पे वो लटक रही हैं चीज़ें, दो चीज जो रिबन लटक रहे हैं जो भी है नॉट्स बांधने के लिए, या तो वो या फिर तुमने मेरा ब्लैक सूट देखा ही है, तो मेरे पास सिर्फ ये 2 सूट हैं, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और एक फंक्शन में तो चलो कुर्ता पजामा पहनना है, ब्लैक और वाइट आई डिसाइड, जो भी मेजोरिटी होगी वहाँ के हिसाब से, एंड एक में हमें जो क्या बनते हैं वो ग्रूम्समैन, हाँ ग्रूम्समैन बनना है, तो वी हैव टू वियर अ शर्ट एंड अ फॉर्मल पेंट, दे विल गिव अस अ टाई एंड स्टफ, सो एक वो सीन है, एक संगीत में कुर्ता है और एक रिसेप्शन में सूट है और एक शादी में सूट है, सो वी हैव टू सी भाई साहब, क्योंकि बढ़िया ही बन के जाना है यार, क्योंकि फर्स्ट है मेरी इंटरनेशनल वेडिंग, यू कैन से आई एम गोइंग टू अटेंड दैट। बाकी मौसम अच्छा हो गया, अभी शाम में तो बहुत सही हो जाता है, दोपहर को थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, लाइक स्टिल इट इज़ लाइक यार पसीना नहीं आता, बट हाँ सन बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इसीलिए और कोई बात नहीं है। बाकी हम वीडियोस बनाते हैं थोड़ी सी, फिर तो मैं मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए इंजॉय करो आप भी, हम नीचे जाके पैकिंग करूँगा फिर मैं तुम्हारे साथ, ठीक है, लव यू। सो गाइज, मेरे पास ये 2 सूट हैं एंड डलने तो देखो दोनों ही हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा रिसेप्शन पे और शादी पे कौन सा डालना है, तो यू हैव टू हेल्प मी आउट, नीचे कमेंट कर देना। वाइट शर्ट मैंने ले ली है और अभी तुम्हें ये दिख रहा है ना यहाँ पे 8:15 हो रखे हैं रात के, मतलब शाम के 8:15 हुए हैं एंड स्टिल सन है यहाँ पे, तो पता नहीं कब डूबता है, ये मेरे को समझ नहीं आती इसकी। बाकी एक द प्लेन बेसिक ब्लैक वन
इट इज़ फ्रॉम वैनोसिन एंड ये मैंने स्टिच करवाया था, ये बाथरूम वाला कोट। इसमें वीडियो तो तुमने देखी होगी यार इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो एक बार प्लेन शर्ट और वो, अब फटाफट से पैकिंग कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं सो जाऊँगा अभी, मतलब 9 बजे सो जाऊँगा, क्योंकि मेरे को फिर उठना है 2:30 बजे, आधे घंटे में रेडी होके 3 बजे एयरपोर्ट पहुँचना है, या एयरपोर्ट के लिए निकलना है 3 बजे शायद। हाँ, और हमारी फ्लाइट है 5:30 की, सो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, सो दिस इज़ माई, दिस विल बी माई आउटफिट। यू गाइस हैव सीन मी ऑलरेडी इन दिस, बट स्टिल यहाँ के लोगों ने नहीं देखा तो इट्स न्यू फॉर देम। सो या यस, वी विल वियर दिस गाइस, एंड आई हैव अ ग्रे ब्लेजर एज वेल, आई विल टेक दैट विद मी एज वेल, क्योंकि वो थोड़ा सा मोटा है लेकिन चल जाएगा, देख लूँगा, डाल लूँगा। वाइट शर्ट के नीचे ब्लैक पैंट, ऊपर ब्लैक पग, आई मेक सम कॉम्बिनेशंस, डोंट वरी, एंड आई विल सी यू गाइस ओवर द वेडिंग, एंड इट्स गोना बी ब्लास्ट, इट्स गोना बी अ ब्लास्ट, बिकॉज आई हैव टू, एंड आई विल डांस लाइक क्रेजी, एंड यू गोना मीट ऑल माई ब्रदर्स ओवर हियर। तो मिलते हैं वो वाले ब्लॉग में भी। तो अभी फटाफट हम सामान बांध लेते हैं, टैची पैक कर लेते हैं, क्योंकि हमने फिर नया ब्लॉग शुरू करना है कल फ्लाइट से। लव यू ऑल, चलो। सो गाइज, मैं भी गया था वॉलमार्ट गया था मैं, तो मेरे को था वहाँ से ना मुझे लाइट लेनी थी, रिंग लाइट वगैरह, तो वहाँ मिली नहीं अच्छी, और ये मैकडी से आइसक्रीम लिया मैंने। बाकी थोड़ा सा पेट दर्द हो रहा है यार, मम्मी को फ़ोन करना पड़ेगा, पेट दर्द क्यों हो रहा है। और मेरे को लग रहा है मैंने ना वो सब में थोड़ा चिकन विकन ना थोड़ा उल्टा सीधा दिलवा दिया था, जो मैंने सब भी लिया था, शायद उसकी वजह से ना हो गया है, है ना। बाकी लेट्स सी। और अब हम पैकिंग हमारी डन हो चुकी है, वो मैंने दिखाई नहीं क्योंकि बड़ा जल्दी जल्दी मैं सारा कुछ काम कर रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रही थी, बट इट्स फाइन नाउ, आई एम गोइंग सोन हुन, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 9 PM हो रहा है ना, इट्स 9 PM राइट नाउ। मैं हूँ सो जाऊँगा क्योंकि आई हैव टू वेक अप एट 2:30, फिर चल दें आप, लेट्स गो, लेट्स गेट इनसाइड। बाकी मिलता थोड़ा थोड़ी देर बाद, नहीं इधर ही साइनिंग ऑफ। पोटी आ गई गाइस, मैं जा रही हूँ फ्रेश होन, तुम अपना ध्यान रखो, एंड आई सी यू गाइस टुमारो फ्लाइट से सीधा, ठीक है, लव यू ऑल। और इसी के साथ इट्स मी अगेन साइनिंग ऑफ, ये मैंने बहुत टाइम से नहीं बोला था, ठीक है।